नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 1:20 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, सूर्य और केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है, धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, करियर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, नौकरी में करियर में नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि,
स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ और मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में आपके उन्नति होगी, किसी अतिथि का इस समय आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में आपके सुधार होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, इस समय आपका कीमती सामान खो सकता है, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, संपत्ति के कार्यों में आपको लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का दबाव रहेगा, धन का लाभ होता रहेगा, किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूजा के शुरू में, बीच में, अंत में कई आरतियां करते हैं। जैसे ही आपने आरती की, आपकी पूजा का समापन हो गया, फिर आप पूजा आगे बढ़ाते हैं, फिर एक आरती कर देते हैं। या बहुत सारे लोग 5-7 तरह की आरती करते हैं, ये भी उचित नहीं है। आप जो मंत्र जप करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, जो पूजा करते हैं, वो आप करिए। और पूजा के अंत में सिर्फ एक बार कोई एक आरती करिएगा। वैसे सामान्यतः जो भगवान विष्णु की आरती है, ओम जय जगदीश हरे, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आरती है। पूजा के अंत में नियमित रूप से केवल मात्र इसी आरती को करने से आपका कल्याण होगा। चलिए अब जान लेते हैं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप।
अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में, आर्थिक स्थिति में लगातार कठिनाई बनी हुई है, हमेशा कठिनाई रहती है, तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिएगा, सूरज उगने के पहले, और प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 27 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 27 सितंबर शुक्रवार को प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।